हाय, सो इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम वी विल बी गिवन टू ट्रीज, ठीक है। हमको दो ट्रीज गिवन होंगे और हमको बताना है कि क्या वो दोनों ट्रीज आइडेंटिकल हैं, मतलब बिल्कुल एक जैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर भी सेम है, उनके अंदर डेटा भी सेम पड़ा है। हमको ये बताना है ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे दो ट्रीज लिए हैं, ठीक है। क्या ये दोनों आइडेंटिकल हैं? आई थिंक ये दोनों आइडेंटिकल हैं, राइट, बिकॉज इनका स्ट्रक्चर भी सेम है एंड रिस्पेक्टिव डेटा भी सारा सेम है, ठीक है। जैसे कि वन रूट है, फिर रूट के दो चिल्ड्रन है, टू एंड थ्री, दोनों में सेम सिचुएशन है पूरे पूरे ट्री में, ठीक है। तो इसके लिए हमें ट्रू रिटर्न करना है। तो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हाउ टू टेल कि क्या हमारे दोनों ट्रीज आइडेंटिकल हैं कि नहीं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम सबसे पहले रूट पे चेक कर लेंगे कि क्या रूट का डेटा सेम है, एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू चेक कि क्या रूट के सेम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है दोनों में, मतलब क्या रूट का डेटा सेम है दोनों केसेस में। बिल्कुल सेम है, राइट, दोनों का वन वन है। क्या रूट के नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी सेम है? यस, यहाँ पे भी दो चिल्ड्रन है और यहाँ पे भी दो चिल्ड्रन है। तो इतना हमको चेक कर लेना है, बाकी काम हम लोग रिकर्शन से करवाएंगे। कि हमको पता है ऑलरेडी कि यार जो ये वाला रूट है इसके भी दो चिल्ड्रन है, इसके भी दो चिल्ड्रन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो पहला चाइल्ड है, जो वो वाला सबट्री है, क्या वो इसके बिल्कुल आइडेंटिकल है? अगर तो आइडेंटिकल नहीं हुआ तो बोल देंगे कि फॉल्स, कि अगर इतना सा पोर्शन ही आइडेंटिकल नहीं है तो ऑब्वियसली पूरा ट्री आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। अगर ये ट्रू हुआ कि ये वाला इसके आइडेंटिकल निकला, तो हमको अगले वाले का चेक करना पड़ेगा, फिर इसको चेक करेंगे इसके साथ, राइट। अगर ये फॉल्स निकला तो पूरा ट्री हम बोल देंगे कि नहीं आइडेंटिकल है। अगर ये ट्रू निकला तो अगर और चाइल्ड होगा तो वो देखेंगे, बट इस केस में हमारे दो ही सब ट्रीज हैं। तो हम लोग इतना चेक करने के बाद हम लोग ट्रू रिटर्न कर सकते हैं कि यार रूट है और उसके जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो भी सेम है, ये वाला जो ट्री है वो इसके आइडेंटिकल है, फिर ये वाला जो ट्री है वो इसके आइडेंटिकल है। तो बेसिकली हमारा जो पूरा के पूरा ट्री है वो आइडेंटिकल ही होगा। तो इस तरह से हमको काम करना है, ठीक है। तो चलो कोड लिख के देखते हैं। सो बूलियन इज आइडेंटिकल, अभी हमको दो ट्रीज मिलेंगे, ट्री नोड इंट स्टार रूट वन, एंड सिमिलरली मुझे एक रूट टू मिलेगा, ओके। सबसे पहले एक बेस केस लिख लेते हैं कि अगर मेरा जो रूट वन है वो नल है, ऑल्सो मेरा जो रूट टू है वो भी नल है, क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से ट्रू रिटर्न होना चाहिए। क्यों? बिकॉज ये भी नल है, ये भी नल है, दो खाली चीजें हैं, वो तो बराबर होंगी ना, राइट। मुझे यहाँ पे टू कर देना चाहिए, यस। सो रिटर्न ट्रू, देन हमारा पहला स्टेप क्या था, क्या क्या चेक करना था, कि क्या डेटा बराबर है, और फिर चेक करना था कि क्या उनके नंबर ऑफ चिल्ड्रन बराबर है, ठीक है। इफ रूट वन का डेटा इज इक्वल टू रूट टू का डेटा एंड उनके जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो सेम है या नहीं, रूट वन चिल्ड्रन डॉट साइज इज इक्वल टू रूट टू चिल्ड्रन डॉट साइज, ओके। इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाइज, हमको क्या करना है, उसके सब ट्रीज चेक करने शुरू करने हैं, ठीक है। तो लूप लगा लेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन रूट वन चिल्ड्रन डॉट साइज, ठीक है, किसी के भी साइज पे लगा लो, चाहे रूट टू के चिल्ड्रन के साइज पे या रूट वन के, बिकॉज वो दोनों बराबर है, हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे चेक कर चुके हैं। यहाँ पे हमने चेक कर लिया, अगर दोनों के साइज बराबर होंगे तभी हम लोग यहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है। आई प्लस प्लस, सो स्पेलिंग मिस्टेक, इफ इज आइडेंटिकल, बेसिकली हम लोग रिकर्जन लगाएंगे ये चेक करने के लिए कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो सब ट्रीज हैं वो आइडेंटिकल है कि नहीं, ठीक है। सो इफ इज आइडेंटिकल, रूट वन चिल्ड्रन आई एंड देन विल पुट रूट टू चिल्ड्रन आई, राइट। सो रूट टू चिल्ड्रन आई, अगर इसका आंसर फॉल्स मिलता है एज वी डिस्कस्ड, क्या रिटर्न करना है हमको, रिटर्न फॉल्स, ठीक है, फॉल्स रिटर्न कर देना है। बट अगर ये ट्रू आ जाता है तो अभी ये चीज गारंटी नहीं है कि पूरा के पूरा आइडेंटिकल है,
समझ रहे हो ना, मतलब कोई एक सब ट्री अगर हमारा आइडेंटिकल आ जाता है तो ये चीज़ की गारंटी नहीं है कि पूरा सब ट्री भी हमारा आइडेंटिकल है। तो अभी हम फॉल्स लगा सकते हैं लेकिन सीधे सीधे ट्रू नहीं बोल सकते। ट्रू बोलने के लिए सारे के सारे जो हमारे सब ट्रीज हैं वो आइडेंटिकल होने चाहिए, राइट। तो बेसिकली जब ये मेरा पूरा के पूरा लूप चल चुका होगा, सारे के सारे चेक हो चुके होंगे, देन ओनली वी कैन से रिटर्न ट्रू, राइट, रिटर्न ट्रू। सो ये काम हमारा यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे जो हमारा इफ स्टेटमेंट था इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी मुझे एल्स लगा देना चाहिए था कि यार अगर तो हमारी ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ही मुझे आगे सब ट्रीज चेक करने हैं। अगर मेरा रूट का डेटा या रूट के जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वही बराबर नहीं आए तो सीधे सीधे रिटर्न फॉल्स तो तुम कर ही सकते थे यहाँ से, तो हम रिटर्न फॉल्स कर ही सकते थे, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, सो सबसे पहले हमने रूट का डेटा और नंबर ऑफ चिल्ड्रन चेक कर लिया था। अगर तो वो हमारी नहीं सेटिस्फाई हुई तो सीधे सीधे रिटर्न फॉल्स कर दिया। अगर सेटिस्फाई हुआ है तो हमने एक एक सब ट्री पे जाना चेक किया। अगर कोई भी सब ट्री ना सेटिस्फाई हुआ तो सीधा रिटर्न फॉल्स। अगर सारे के सारे सब ट्री सेटिस्फाई हो गए, सारे आइडेंटिकल निकले, तो रिटर्न ट्रू हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम का कोड है। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, एक काम करते हैं, दो बार इनपुट ले लेंगे ट्री की, राइट। सो इज आइडेंटिकल रूट वन एंड रूट टू, ठीक है। चलो चला के देखते हैं, काम करते हैं, दोनों में सेम इनपुट देते हैं एक बार, हमारा आंसर वन आ जाना चाहिए, ठीक है, वन मतलब ट्रू आ जाना चाहिए। एंड देन अगेन हम सेम देते हैं तो हमारा आंसर वन आ रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक ट्री को ये इनपुट दे देते हैं, दूसरे ट्री को ये इनपुट दे देते हैं, फिर देखते हैं, फिर हमारा जीरो आना चाहिए। चलो दोबारा से चलाते हैं। चलो एक को तो हमने ये इनपुट दे दी, दूसरे वालों को ये इनपुट दे देंगे, तो अभी हमारा जीरो आ गया बिकॉज ऑब्वियसली जो हमने ट्रीज लिए हैं वो आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जल्दी से एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज कि हमको एक ट्री गिवन है, हमको उस ट्री के जो सारे डेटा हैं, जो सारे नोड्स के डेटा हैं, उसको उसके रिस्पेक्टिव डेप्थ वैल्यू के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है। अगर हमारा ये जो ट्री है, जैसे कि हम ऑलरेडी डेप्थ निकालना देख चुके हैं, तो व्हाट इज द डेप्थ ऑफ दिस, द डेप्थ ऑफ दिस इज जीरो, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको हटा के जीरो कर देना है, यहाँ पे हटा के वन वन कर देना है, यहाँ पे हटा के टू 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 कर देना है सब में। सो दिस इज द प्रॉब्लम। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल। हम क्या करेंगे, रूट के लिए काम खुद से कर देंगे, बाकियों पे रिकर्शन कॉल कर देंगे, बस रूट में मैं जीरो डाल दूंगा, बाकियों के लिए खुद से होता रहेगा काम। चलो तो देखते हैं कैसे करेंगे। सो void रिप्लेस विद डेप्थ वैल्यू। void क्यों ले रहे हैं, बिकॉज इसको बस रिप्लेस कर देना है, इसको रिटर्न नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको एक ट्री मिलेगा, एंड इसको एक नंबर पास कर देते हैं। इनिशियली इसको जीरो पास कर देंगे, ठीक है, जीरो पास कर देंगे कि यार हमने जीरो पास किया, इसको रूट पे डाल दो जाते हैं, ठीक है। इफ रूट इज इक्वल टू नल, रिटर्न ट्री ही नहीं है हमारे पास, हमको कुछ रिप्लेस ही नहीं करना कहीं पे। अगर नल नहीं है तो रूट के डेटा में के डाल दो। अभी हम लोग के में जीरो पास करेंगे ना, वो हम लोग रूट पे जाके रख देंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, जो रूट के सारे चिल्ड्रन हैं उनको के प्लस वन पास कर देंगे। के प्लस वन पास करने से क्या होगा कि चिल्ड्रन होंगे उनको वन पास हो जाएगा, तो सब जगह पे वन 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 लग जाएगा। वो जो फर्दर चिल्ड्रन है अपने चिल्ड्रन पे कॉल कर देंगे फर्दर के प्लस वन करके, मतलब टू पास कर देंगे, उन पे टू 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 लग जाएगा। वो फर्दर अपने चिल्ड्रन पे थ्री 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 पास कर देंगे, और ये चीज़ चलती जाएगी, ठीक है। सो एक लूप लगा लेते हैं, कॉपी कर लेता हूँ लूप। रिकर्जन रिप्लेस विद डेप्थ वैल्यू रूट चिल्ड्रन आई, ठीक है, और इसको पास हो जाएगा के प्लस वन। ओके, तो आई थिंक इतना करने से हमारा काम हो जाना चाहिए, ठीक है। ट्राई कर लेते हैं, रिप्लेस विद डेप्थ वैल्यू। सो इस बार एक ही इनपुट लेते हैं,
रिप्लेस विद डेप्थ वैल्यू कॉल कर देंगे ऑन रूट एंड हम लोग मैनुअली जीरो पास यहाँ से कर देंगे, ठीक है। एंड जब हमारा ट्री मॉडिफाई हो चुका होगा तो हम लोग प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। तो प्रिंट ट्री लेवल वाइज कर लेते हैं, सो रूट पास कर देंगे इसको, तो इतने से हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये इनपुट दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 जो अभी हम देख रहे थे। सो इफ आई जस्ट रन दिस, सो इट इज 0 1 1, राइट, बिकॉज ऑब्वियसली अब 0 रूट है, 1 1 उसके चिल्ड्रन है, ठीक है। अब जो पहले वाला 1 है उसके चिल्ड्रन क्या है हमारे, 2 2, एज यू कैन सी ओवर हेयर। सिमिलरली जो दूसरे वाला 1 है उसके चिल्ड्रन क्या है, अगेन 2 2, एज यू कैन सी ओवर हेयर। एंड जो हमारे जो लास्ट लेवल पे क्या होगा, चारों 2 2 2 2 हैं, उनका कोई भी चाइल्ड नहीं है, सो 2 2 2 2, तो हमारा ट्री इस तरह से बन चुका है, 0 1 1 2 2 2 2, ठीक है। तो हमारा काम हो गया। सो आई होप कि ये सब क्लियर है। थैंक यू।